ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, रात के 10 बज रहे हैं और झाझा वन विभाग की टीम और झाझा प्रशासन की टीम आज जंगल में रानीपुरा में एक अजगर मिला था, जिसका लगभग 15 से 25 किलो आसपास वजन रहा होगा। उसको लाकर रेस्क्यू करते हुए जंगल में छोड़ा गया। जैसे कि गौरव सिंह राठौर जैसे समाजसेवी, उनको सूचना मिली, त्वरित कार्रवाई करने के लिए उन्हें थानाध्यक्ष से आग्रह किया और साथ ही साथ वन विभाग की टीम को राज्य सरकार ने सूचना दी और वन विभाग की टीम आकर उसको रेस्क्यू करते हुए इस जंगल में छोड़ा गया, जो ताराकुरा का जंगल इसको कहा जाता है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। राज्य सरन जुड़े, जिस तरह से आज आपने जैसे जो ही सूचना मिली आप जाके त्वरित कार्रवाई करते हुए और वन विभाग को सूचना देते हुए आज आपने रेस्क्यू किया सर अजगर को, जिसका वजन लगभग कितना होगा सर? अब तो उसके जो विशेषज्ञ हैं फॉरेस्टर साहब, अच्छा 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 जी पाएंगे। जी जी जी, कैसे सूचना मिली सर? वो हमको गौरव सिंह राठौर जी सर्वप्रथम सूचना दिए। जी जी, तो बताया कि वो ऐसे ऐसे रानीपुरा में एक अजगर देखा गया है। अच्छा, तो उस पर फिर फॉरेस्टर साहब भी सबको, दोनों ही फॉरेस्टर साहब को, जो नागी डैम वाले हैं वो और फिर जो झाझा वाले हैं, वो दोनों को ही सूचना दे करके और खुद हम लोग अपनी टीम लेकर के निकल गए और उसको तत्काल जल्दी पहुंच करके ग्रामीणों के सहयोग से सुरक्षित रखे। गौरव सिंह राठौर जी भी साथ में हम लोग के थे, तो हम लोग सुरक्षित रखे। फिर वो फॉरेस्ट की टीम आई है तो ये लोग रेस्क्यू किए। 10 बजे रात हम लोग यहाँ जंगल में हम लोग खड़े हैं, उसको रेस्क्यू करके छोड़ा गया। हमारे साथ गौरव सिंह राठौर जुड़ रहे हैं, जो आज ना सिर्फ एक गौवंश को आज दाह संस्कार किया है और साथ ही साथ आज अजगर को भी जीवन दान दिया वन विभाग और झाझा प्रशासन की टीम के साथ। क्या कैसे क्या पता चला था गौरव आपको? देखिए, आपने सही बताया कि आज सुबह में आज एक सांड मर गई थी, तो उसको हम लोगों ने दाह संस्कार कराया और उसके बाद सोमवार है, दूसरा सोमवार भोले बाबा का दिन, और अजगर सांप का सूचना मिला युवाओं के द्वारा, रानीपुरा गांव के युवाओं द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुआ और हम तुरंत झाझा थाना प्रभारी आदरणीय श्री राजेश सर को सूचना दिए। सर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, बिना देर करते हुए, और फॉरेस्ट की टीम को लेकर के वहाँ तत्काल पहुँच गए। तो ये झाझा प्रशासन के थाना प्रभारी को धन्यवाद। कहाँ से छोड़े? अभी हम लोग ताराकुरा जंगल में जो है उसको छोड़ा गया है और ताकि वो अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ मिल सके। गांव में किस जगह पे था गौरव? ये एक मैदान में जहाँ लड़के लोग खेलते हैं, खेल कूद करते हैं, मैदान में ये पाया गया, जहाँ पे शाम में लोग जाते हैं मैदान में खेलने कूदने के लिए, तो उस टाइम देखा गया। तो उसके बाद वो लोग सुरक्षित रखे, हमको फोन किया, तो हम बोले कि किसी तरह क्षति नहीं पहुँचाना है, उसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा और उसको अच्छे तरीके से रेस्क्यू करके आज जंगल में छोड़ दिया गया है, जिसके कारण हम लोग ने यहाँ पर आज पाइथन यानी अजगर को हम लोग ने छोड़ा है ताकि वो सुरक्षित अपना। कहाँ से लाए थे अजगर को? रानीपुरा से एक गांव में वो आ गए थे, जिसके कारण हम लोग यहाँ लाकर उनको आज सुरक्षित स्थान पर छोड़ रहे हैं ताकि वो अपना स्वतंत्र विचरण कर सके। कैसे पता चला आपको, सूचना कैसे मिली? ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा और श्रीमान थाना महोदय द्वारा हमें फोन किया गया और हम तत्काल अपने दलबल के साथ श्रीमान के आदेशानुसार हम लोग भी पहुंच गए। लगे जंगल में छोड़ दिए। जी जी, जंगल काटने वाला फूकेगा वो। कुमार जो सब इंस्पेक्टर छाजा है, तमाम वन विभाग की टीम और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। वन विभाग की टीम ने किस तरह से हम निकालेंगे पाइथन को आराम से है। अरे उतना देखिए पाइथन को किस तरह से छोड़ा जा रहा है। अजगर खास सांप को देखिए रेस्क्यू किया गया और ये जंगल में आकर के और सफलता जो है कि अपने जंगल गया अंदर कहीं इधर निकलने जा रहा है। ये देखिए रानीपुरा गांव में एक अजगर सांप मिला है, जिसको रेस्क्यू करने के लिए यहां पर वन विभाग की टीम और स्थानीय थाना के एसएचओ राजेश शरण सर और समाज सेवी गौरव सिंह राठौर आए हुए हैं और यहां पर रेस्क्यू टीम में वन विभाग की टीम अभी पहुंची है। ग्रामीणों द्वारा बहुत भीड़ लगा हुआ है यहां पर। देखिए यहां पर सूचना मिली थी, अजगर टीम यहां पर नजर आ रहा है और अभी इसको रेस्क्यू किया जाएगा और इस बेजुबान जानवर को बचाने के लिए यहां पर वन विभाग की टीम को सूचित किया गया है। वो आए हैं और अभी इसको रेस्क्यू करके इसको बचा।
डंटा हटाओ, डंटा हटाइए, डंटा हटाइए ना, हाँ कलीम हुआ था सांप निकला ले पिछल का अगला दाब ले रहा पिछल का रह गया घुसा गया अगला लेके बन विभाग बोला ये देखिए वन विभाग की टीम आई यहाँ पर और सांप को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। ग्रामीण लोग बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं यहाँ पर सांप को रेस्क्यू कर लिया है। एक मिनट के काम वाले बेटे बिना मौका।